फरहान साहब, आप इस मामलात को देख रहे हैं, आपने तीनों सियासतदानों की बात सुन ली है, मुजम्मिल साहब की भी बात सुन ली है, तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो 3 बिलियन हमें मिलने हैं, हम समझ जाएं कि हमें मिल गए हैं या अभी ये स्टैंड बाय अग्रीमेंट है, और अगर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया उन कंडीशंस के ऊपर तो वो 3 बिलियन ऐसा हो सकता है कि IMF रोक ले? देखिए, 3 बिलियन 3 किस्तों में मिलेगा, यानी हर वन और ये 3-3 महीने के फासले से मिलेगा, या हो सकता है टाइमिंग कुछ रद्दबदल किया जाए। ये किसी स्टेज पे भी अगर कोई डिविएशन होती है, कोई हुकूमत, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे वो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो इसकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी ना करे, जैसे अभी ये जो EFF जून के एंड में ख़त्म हुआ है, आखिर इसमें भी तो हम नाकाम ही रहे हैं ना, क्योंकि आखिरी 2 ट्रांचेस हमें नहीं मिली और ये जो 9 महीने का एक डेडलॉक IMF के साथ रहा है इसहाक डार साहब की सरबराही में, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है, उसके नतीजे में हमने वो उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं की, तो उन्होंने, तो यानी कि अगर हम उनके शरायत पे पूरे नहीं उतरे तो ये 3 बिलियन फिर नहीं मिलने हमें, नहीं जेब तो में नहीं ये आने। ये तो फिर 1 बिलियन शुरू में मिलेगा, उसके बाद 3 महीने बाद वो देखेंगे, असेस करेंगे। इसलिए पाकिस्तान की, चूंकि इस वक्त हालात और पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कमज़ोर है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है माशी एतबार से, हमारी तारीख में ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल मगर कभी नहीं हुई। मगर आपको लगता है कि ये जो अच्छी खबर आई है और उन्होंने कह दिया कि जी हम 3 बिलियन आपको देंगे, एटलीस्ट इज़ अ प्रॉमिस, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट इज़ ऑन इट्स वे, तो आपको लगता है कि जो डॉलर है वो नीचे आएगा, रुपया तंदुरुस्त होगा? आपने देखा है पिछले 1 हफ्ते में एकदम से रुपया कुछ चढ़ा था, फिर उसके बाद अब नीचे आया है, क्योंकि एक हकीकत यह भी है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत ने कमिट किया है कि इम्पोर्टर्स का जो माल ख़ासतौर पे कराची की बंदरगाह पे फंसा हुआ है, वहाँ पे कहते हैं कि कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की इम्पोर्ट्स हैं जो कि रुकी हुई हैं, तो वो उन्हें इम्पोर्ट करने की इजाज़त होगी। अब वो जाके मार्केट से पैसा उठाएंगे, डॉलर्स उठाएंगे, वो उनकी पेमेंट्स करेंगे, तो फिर वो कैसे होगा? उसके नतीजे में ज़ाहिर है रुपये पे प्रेशर तो आएगा। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आप समझते हैं कि रुपया तंदुरुस्त नहीं हो सकता? नहीं, रुपये की तंदुरुस्ती के लिए तो और बहुत से इकदाम की ज़रूरत है। दिल्ली हनूज दूरस्त, हमें तो पाकिस्तान की बहुत सी असलाहत करने की ज़रूरत है, ये कोई हफ्तों या दिनों या महीनों की बात नहीं है, इसमें साल साल लगेंगे। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें दरामदात की जगह पे अपने मुल्क में दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि इम्पोर्ट्स की ज़रूरत कम हो, ख़ासतौर पे हमारी जो ज़रई अजनास हैं, अजीब सूरत हाल है, हम ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जिनकी पाकिस्तान जैसे मुल्क को इम्पोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे के सारे इकदाम होंगे। लेकिन ये आखिर मामला पाकिस्तानी मईशत का पिछले 30-35 साल में जो ख़राब हुआ है, बीच ये में 1-2 दिन में ठीक नहीं होने वाला, बीच में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौरान यानी 2008 में जो फिगर्स छोड़ के गए थे उन पे सियासी तौर पे तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन आज से 15 साल पहले की जो बैलेंस शीट थी आप उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क है। अफगान जहाज भी तो जिंदा था, जो भी वजह थी तो नहीं मिला, अफगान जहाज उस वक्त तो मौजें लगी हुई थी।